हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन एक और चलिए बात करते हैं। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कौन सी नेम रिएक्शन है, कर्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ आपका क्या होता है, डिग्रेड होती है चीजें। डिग्रेड मींस कहीं ना कहीं यहाँ कार्बन्स में आपकी कमी आएंगी। कैसे होंगी, चलिए एक एक करके देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो भी इस रिएक्शन से रिलेटेड है सब कुछ देखने वाले हैं। देखो ये एक क्या होती है आपकी, ये आपकी एजाइड ग्रुप की रिएक्शन है। एजाइड मींस N3 ग्रुप होते हैं, तो ये एजाइड ग्रुप की रिएक्शन है। एजाइड ग्रुप को जब आप ट्रीट कराते हो किसके साथ में, किसी एल्केली के साथ में, तो यहां से N2 गैस इवॉल्व होती है और आपको एक अमीन ग्रुप मिलने वाला है। कैसे होता है पूरी रिएक्शन, चलो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, ये एजाइड ग्रुप आया कहां से। ये एजाइड ग्रुप तो पहले हम लोग लेके आते हैं, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता ये एजाइड ग्रुप कैसे बनाया जाता है, तो जरा देख लो आप पहले एजाइड ग्रुप कैसे बनता है। ये हमारा एसिड था, एसिड की रिएक्शन आप करा दो SOCl2 के साथ में तो आपको एसिल क्लोराइड मिलेगा। एसिड की रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ में तो एसिल क्लोराइड मिल गया है। इस एसिल क्लोराइड को आप सोडियम एजाइड NaN3 के साथ में जब रिएक्ट कराते हो तो आप देखो ये Cl हटके आपको एसिल एजाइड मिलता है। ये अब एक एजाइड ग्रुप आपको मिल चुका है। रिएक्शन एक्चुअली जो होती है पूरी कर्टियस डिग्रेडेशन की, वो इसी एजाइड ग्रुप में होनी है। क्या होता है रिएक्शन में, जल्दी से देखो, ये हमारा एजाइड ग्रुप है। इसका आपने क्या कराया, यहां से हमने बोला N2 गैस इवॉल्व होगी। N2 गैस इवॉल्व होती है तो यहां जरा सी हीट आपने दिया कि यहां से N2 तुरंत ही क्या हुई, इवॉल्व हो गई। अब जो मिला हमको कुछ ये मिला, देखो जरा कंपाउंड यहां से N2 जाने के बाद। अब यहां पे होता है रीअरेंजमेंट। एक्चुअली जब रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट देखो, यहां से जो R ग्रुप था वो कहीं ना कहीं इधर आ गया। देखो क्योंकि R अब N के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है। देखो R N के साथ में, ना कि CO के साथ में। यहां पे R CO के साथ बॉन्ड में था लेकिन यहां रीअरेंज हुआ है R और गया है N के पास। करेक्ट है क्या, ओके ये हो गया। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहां से हमको CO2 गैस एक्चुअली में इवॉल्व करानी है अभी। और मैंने पहले ही बोला डिग्रेड होगा मतलब यहां कार्बन भी लॉस होता है, तो यहां पे कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद आपका जब होता है, आप किसी NaOH, मैंने बोला ना एल्केली के साथ में रिएक्शन करा लोगे, एल्केली के साथ आपने हीट किया इसको, तो CO2 के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा और आपको 1 डिग्री अमीन क्या मिलता है, प्राइमरी अमीन आपका फॉर्म होता है। कंप्लीट रिएक्शन अगर आप एक स्टेप में देखो तो आप जब एसिलाजाइड, ये एजाइड ग्रुप को आप ट्रीट कराते हो किसके साथ में, NaOH और हीट के साथ में, किसी एल्केली के साथ में और हीट के साथ इस रिएक्शन को कराते हो तो आपको देखो क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमीन मिलेगी, N2 गैस इवॉल्व होगी और CO2 गैस यहां से निकलेगी। ये कंप्लीट रिएक्शन है जो कि होती है कर्टियस डिग्रेडेशन में। जरा देखो क्या लिखा हुआ है, लिखने वाली चीजों को भी जरा आप देख लो एक बार। द ओवरऑल रिएक्शन विच प्रोसीड बाय द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एसिलाजाइड फॉलोड बाई एसिडिक और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आप यहां करा रहे हो देखो, टू यील्ड प्राइमरी अमीन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस, एक कार्बन लेस होगा। यही रिएक्शन होती है हमारी क्या, कर्टियस डिग्रेडेशन। करेक्ट है, ओके। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, ये हो गया उसका थ्योरी। अब जरा देख लेते हैं हम अपनी ट्रिक को, तो जरा जल्दी से ट्रिक भी देख लो। एसिलाजाइड, तुम क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो जो सोडा में अपना कुर्ता डिग्रेड कराते हो, ठीक है ना, ये आपके है, समझ पाए आप क्या लिखा हुआ है। एसिलाजाइड मतलब हो सकता है कोई बच्चा होगा, उस बच्चे का नाम है भाई, आजकल के बच्चे भी आजकल अलग ही नाम रखते हैं। तो एसिलाजाइड, तुम क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो जो सोडा में अपना कुर्ता डिग्रेड कराते हो। जल्दी से ट्रिक को जरा डीकोड करो। एसिलाजाइड तो सीधे चलो नाम ही है अपना, प्राइमरी स्कूल था ना, प्राइमरी से मतलब यहां आपका प्राइमरी अमीन, और सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुर्ता से आपका इस रिएक्शन का नाम है, कुर्ता डिग्रेड से हो गया कर्टियस डिग्रेडेशन। तो ये आप देखो कर्टियस डिग्रेडेशन में एसिलाजाइड को जब सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हो तो प्राइमरी अमीन बनता है। ये आपका ओवरऑल इसके ट्रिक है और ये कंप्लीट रिएक्शन है जो कि यहां पे होती है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये एक अगर आप बात करते हो तो कहां से आप एसिलाजाइड बनाते हो, इसे एसिलाजाइड का बनाने का पूरा प्रोसेस भी देखो यहां पे इस रिएक्शन में दिया गया है। उस एसिलाजाइड के साथ में आपने कैसे रिएक्शन कराई, कि कैसे आपको प्राइमरी अमीन बनी, वो भी यहां पे कंप्लीट देखो
रिएक्शन पूरी की पूरी मेंशनड है और इजीली वे में है, ठीक है ना, बहुत ही इजी वे में है। अगर एक बार आप समझ जाते हो तो ये रिएक्शंस कभी भूलने वाली नहीं होती हैं। बस एक काम करो, ये जितने नेम रिएक्शन आपको मिल रहे हैं अलग से सेपरेट एक जगह पे इनकी लिस्ट बनाओ, नोट्स बनाओ उन पे, और एट द एंड आप महीने 15 दिन में एक बार इनका रिवीजन कर लिया करोगे तो सारे रिएक्शंस आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। ये बिल्कुल प्रॉमिस है आप लोगों का, लेकिन बस इतना करो, आप इतना सा आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ में किसी नए वीडियो में। थैंक यू ऑल।